नमस्ते, ये मेरा नाती है। हाय। आज हम आपको नारियल की बर्फी बनाना सिखाएंगे। तो ये मैंने नारियल लिया है, 4 से 5 नारियल है जो मैंने इनका छिलका निकाल दिया था और ये वाश करके मैंने रखे हैं। और ये दूध लिया है मैंने, जो थोड़ा इसमें मलाई डाली है मैंने, 1/2 कप दूध की ज़रूरत पड़ेगी। और ये 2 पैकेट दूध के हैं, सूखा पाउडर, ये 10 रुपये का आता है, तो इसकी ये चाहिए। और ये काजू हैं जो थोड़ा सा मैं पीस के उसमें डालूँगी। और ये बादाम है तो इन इसको मैं सजाने के लिए थोड़ा डालूँगी। और इनकी ऐसे ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो इनके बिना भी नारियल की बर्फी बन सकती है। और ये है इलायची है, तो ये मैं कूट के पाउडर डालूँगी। और ये चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये 2 चम्मच घी है। चीनी का ऐसा हिसाब है कि ये जो नारियल मैं पीसूँगी तो जितना ये नारियल का पेस्ट होगा उतना ही चीनी मेरे को लेनी है। चलिए अभी नारियल का पेस्ट बनाती हूँ, उसके लिए मेरे को दूध चाहिए और नारियल चाहिए। चलिए मैंने इसमें डाल दिया जार में, तो पीसना स्टार्ट करती हूँ। अब थोड़ा दूध डालती हूँ इसमें। ऐसा होना चाहिए इसका पेस्ट। ये जो पेस्ट है ये मैंने पीस लिया है, दूध थोड़ा थोड़ा डाल के, और ये ऐसा हो गया है पेस्ट को। जितना ये पेस्ट है उतना ही चीनी चाहिए। मैंने ये पीस लिया है, नारियल का पेस्ट बना लिया है, तो ये 4 कटोरी निकली है पेस्ट। और अब मैं इसमें 4 कटोरी चीनी डालूँगी। इसी कटोरी से जिससे मैंने ये पेस्ट नापा है, इसी कटोरी से, ये 4 कटोरी है तो 4 कटोरी में चीनी डालूँगी। और ऐसा होना चाहिए, देखो पेस्ट अच्छे से पिस गया है ये देखिए। तो इसमें मैं चीनी डाल के और इसको गैस के ऊपर रखूँगी। ये मैंने 3 कटोरी चीनी डाल दी है और ये अभी 4था डाल रही हूँ। चलिए मैं रख रही हूँ गैस के ऊपर इसको, और ये धीमी आंच करूँगी गैस की, और उस पर मेरे को इसको पकाना है। मिलाऊँगी इसको धीरे धीरे, धीमी आंच में इसको पकाते रहूँगी। अभी ऐसा हो गया ये भून के, अभी इसमें मैं घी डाल रही हूँ। दो चम्मच घी डाल रही हूँ। 1/2 घंटा करीब हो गया इसको, है 1/2 घंटा हो गया इसको बनने में। ये मिल्क पाउडर है वो मिला रही मैं इसमें। तो ये जो काजू का बनाया था पाउडर, काजू का पाउडर था, ये डाल रही हूँ। ये कम आंच में रखना ताकि ये चिपके नहीं, गैस स्लो करके रखने का। और ये ऐसा हो गया, ये थोड़ा और इसको 5 मिनट करती हूँ, थोड़ा पानी सूख जाए।
ये ट्रे में मैं थोड़ा घी लगा रही हूँ, इसमें डालूंगी इसको। थोड़ा सा लगा लूँ, मैं इसको डाल रही हूँ। थोड़ा गर्म है ये, अच्छे से प्रेस करना है इसको। अभी ये मैं काट रही हूँ इसको, गर्म गर्म ही काटना है इसको, ठंडा होने के बाद ये नहीं अच्छा नहीं कटता, तो मैं इसको काट रही हूँ पीस बना रही हूँ। चाकू से भी किसी भी चीज से इसको काट लो। ये मैंने इसके पीस काट लिए हैं। ये बादाम लगा रही हूँ मैं सजाने के लिए, ये आप लगा भी सकते हो और आपकी मर्जी है, नहीं भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है। तो मैं ये लगा रही हूँ, गरम गरम में लगाते हैं इसको, ठंडे में नहीं लगाना, लगेगा नहीं ठंडे में ये। हाँ, बर्फी मेरी रेडी हो गई, बना के तैयार हो गई बर्फी। तो अभी ये ठंडा हो गया, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ ये कैसी बनी है। ये देखिए बर्फी कितनी अच्छी बनी हुई है, और ये मैं निकाल रही हूँ। ये बर्फी रेडी हो गई है, तो इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हो ठंडा होने के बाद, और ये बहुत सॉफ्ट है, तो इसको आप डब्बे में भी रख सकते हो और फ्रिज में भी रख सकते हो। और कैसे ये देखिए इतना सॉफ्ट है, तो आप कैसे भी इसको रख के खा सकते हो। ये बर्फी दोनों सेम है, ये नारियल को मैंने छिलके फ्रिज में रख दिया था, नारियल को एक दिन के लिए, और फिर मैंने इसको बनाया तो ये ब्राउन कलर का बनाने के लिए मैंने एक दिन के लिए फ्रिज में रखा। इसमें कलर और कुछ भी नहीं डाला है, ये सेम है, सेम चीज़ है और टेस्ट भी इसका सेम है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। Please like और subscribe to the Nani ki movie.